चार दिन में स्टोरी बनाना चाहते हैं इस टाइप का चाहे वो हॉरर स्टोरी हो मुरल स्टोरी हो जो हम देखते हैं यूट्यूब पे तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है थोड़ा जुगाड़ वाला काम करना पड़ता है जिससे कि हम एक करेक्टर का एनिमेशन बार बार यूज कर सकें तो यहाँ पे हम वही करेंगे अभी तो हम इसको वॉइस ओवर के साथ करेंगे और जहा जहां जहाँ पे मैं की लगाऊंगा जितना मैं की लगाऊंगा अगर आप लगता है कि यार अभी मैं नया हूँ मैं पहली बार कर रहा हूँ तो वहाँ वहाँ पे की लगाना है वरना जो अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हैं तब तो आप पूरा अपना एक्टिंग को खुद अप्लाई करते हो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे गाय सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है मुफ्त रहता है आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं मेरे क्रम आइडिया मुनिश डॉ मेहता डॉट फाइव टूट यहाँ पे जाके मुझे आप यहां भी बात कर सकते हैं पर बेहतर आप मुझसे कमेंट में बात करें कमेंट में जल्द रिप्लाई करता हूँ गायस यहाँ पे एक एक करके सारे वीडियो आ रहे हैं बाकी गायज अगर आपको कोई भी एनिमेशन कोर्स या कार्टून करेक्टर बैकग्राउंड को बाय करना है तो आप लर्न मिशन के वेबसाइट से बाय कर सकते हैं हमारा वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जीवा एडू डॉट कॉम गाइज आपको गूगल में जाकर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जीवा एडियो डॉट कॉम लिखना है तो सबसे पहले आपको हमारा ही वेबसाइट नजर आएगा एशिया

तो आपको यहीं से बाय करना है जब आप यहां से बाय करते हो तो हमारे पास आपका रिकॉर्ड रहता है प्रॉपर तरीके से तो इसके बाद अगर आप बीजेपी क्लिक करते हो तो बीजी वाले आपके सामने इस तरह नजर आते हैं सारे बीजी है सारे के सारे नो कॉपी राइट अगर आप यहां से बाय करते हैं यहाँ अभी हमने लेटेस्ट हमने गॉड कार्टून को यहां पे डाला है यहाँ पे पूरे कार्टून करेक्टर आपको प्रॉपर रिक के साथ मिलेगा आई ब्लिंकिंग और लिपसिंग के साथ मिलेगा ये सारे के सारे नो कॉपी जो कार्टून है और यहाँ पे अगर आप हमारी वेबसाइट से बाय करते हो तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से आपका रिकॉर्ड होता है अदरवाइज गाइज अगर आप कहीं और से बाय करते हो तो आप पे लीगल एक्शन भी हो सकता है पर बेहतर है आप हमारी वेबसाइट से लो तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत मुश्किल से आप अपना चैनल को ग्रो करते हो और बाद में फिर प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए मैं कहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट से बाय करो तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारे करेक्टर यहाँ पे डाले गए सारे रिग है आई ब्लिंकिंग है और इसमें लिपसिंग भी है सब है यहाँ पे तो आपको यहीं से बाय करना है गाइज आपको जीवा एडियो की वेबसाइट में और भी बेहतरीन कार्टून करेक्टर और बैकग्राउंड आते रहेंगे और कोई ऑनलाइन जो कोर्स होगा वो भी आते रहेगा तो लगातार आपने हमारी वेबसाइट को देखते रहना आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चीजें नई नई आ रही है यहाँ पे तो चलिए गाइज चलते अपने टॉपिक की तरफ तो सबसे पहले वॉइस ओवर की बात करता हूँ ठीक है यहाँ पे देखोगे वॉइस ओवर मैंने पहले से ला के रखा है तो ये मैंने यहाँ पे बाहर से उठा के यहाँ पे रखा है अगर वॉइस ओवर कहीं से लाना है ना तो आपको पास दो ऑफ दो तरीके एक तो फाइल पे जाओ यहाँ पे नीचे इंपोर्ट पे आओ इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी में क्लिक करो ठीक है जैसे आप इंटो इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी में क्लिक करोगे यहाँ पे ये ऐसा खुल के आते पूछता है कि किधर से आपको वो करना है इसे मतलब किधर से वॉइस ओवर उठाना है तो वहाँ से वहाँ से वो, वो करो वो उठा दो आ, क्या कहते हैं उसे वॉइस ओवर उठा दो सॉरी यहाँ पे आना था मैं इम्पोर्ट में नहीं गया इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी इम्पोर्ट में आए इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी यहाँ पे चला गया तो ये पूछेगा यहाँ पे टू लाइब्रेरी अभी है ना टू लाइब्रेरी यहाँ से पूछेगा कि वॉइस ओवर कहाँ है आपका तो वो वहां से आपने सेलेक्ट करना सीधा ओपन कर लेना वॉइस ओवर यहाँ नहीं आएगा आपका वॉइस ओवर कहाँ आएगा इधर लाइब्रेरी में ठीक है तो इधर जब ये या आएगा यहाँ से उठा के यहाँ डालोगे तो इससे अच्छा शॉर्ट तरीका क्या है सीधा एक लेयर ले लो बाहर से उठाओ यहाँ पे ड्रैग कर लो सीधा तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ये क्लियर हो गया वॉइस ओबर कैसे आता है तो अभी मैं इसको डिलीट इसको तो मेरे पास जो पूरा ये डायलॉग है ना ये डायलॉग पे बोल रहा है जब भगवान है। ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए लल्लू कल्लू और नल्लू तो ये पे ऐसा बोल रहा है कि जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए लल्लू कल्लू पल्लू जो भी है इस तरह का डायलॉग है तो अब एक्टिंग क्या होनी चाहिए ये हमें पहले सोचना पड़ेगा कैसे अप्लाई होगा ये तो एक जैसे ही होगा जैसे पांच की छ की सात की दो की एनिमेशन ये हमेशा सेम ही रहेगा चाहे बर्ड हो चाहे कुछ और हो तो ये बोल रहा है जब भगवान ने मुझे तीन दोस्त दिए इस तरह ये बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है वो बोल रहा है कि भगवान ने मुझे वो चेस्ट पे हाथ लगा रहा है इसके बोल आगे हाथ कर रहा है फिर पीछे हाथ कर रहा है इस तरह एक एक्टिंग है ठीक है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो मुझे जब भी कोई एडिमिशन करना हो तो सबसे पहले वॉइस ओवर कर लेना ठीक है और ये वहाँ पे मैंने ये जो वॉइस ओवर इसको मैंने कॉपी कर लिया मैं बाहर से ड्रैक नहीं करने वाला हूँ अभी यहाँ पे आ चुका है कॉपी लेयर कर दी आप बाहर से ड्रैक करके ला सकते हो तो सबसे पहले ये जो पूरा करेक्टर है ये पूरा करेक्टर मेरा रेडी है रिग के रिग के बाद ठीक है पहले ट्रेस होता है फिर रिग होता है तब जाके ये एनिमेशन के लिए रेडी होता है ये आई ब्लिंकिंग भी यहाँ पे इसके अंदर हुआ है अब लिपसिंग जो होता है अगर लिप्सिंग नहीं आता है तो लिप्सिंग का अलग से टॉपिक लगता है अलग से आपको समझ आता है कि लिप्सिंग कैसे करते हैं जॉलाइन के साथ तो मेरा सब कुछ ये रिग है तो ये जो इतना करके रखा है ना इतना नहीं करना इसको आगे बढ़ा के रखो एफ फाइव करके रखो इसे पूरा आगे तक बढ़ा के रखो ठीक है पूरा आगे बढ़ा दिया तो अब जो इसका सबसे मैन है पहले लिप्सिंग जाओ अंदर जाओ प्रॉपर ये लिप्स है आप जानते हैं पहली बार लूप रहता है फिर उसके उसके अंदर सिंगल फ्रेम रहता है सिंगल फ्रेम के अंदर बहुत सारा ड्राइंग रहता है जो कि मैंने अगर आपको रिग आता है तो रिग में बता दिया था कि ये ड्राइंग रहता है ठीक है और अगर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार प्रॉपर तरीके से लिपसिंग सीखना ना लिप्सिंग कैसे होता है उसका अलग एक एक स्टेप है कि पहले आप लिपसिंग ये लिपसिंग भी सीखोगे ये सब भी सीखोगे तो अभी मैं नॉर्मल कर रहा हूँ यहाँ पे तो मेरी इसके अंदर सारा यहाँ पे ड्राइंग पड़ा है ठीक है तो मैं नॉर्मल लिपसिंग कर रहा हूँ

तो यहाँ पे मैं यहाँ पे किया एपसिक्स और ये जो पूरा लिप्स है इस पर सेलेक्ट किया फ्रेमफिकर को ओपन किया और ये बोलता है जब भगवान ने तो एक मैं नॉर्मल ब्ला ब्ला करके लिप्सिंग करूंगा ये जब भगवान ने अब यहाँ से बोलता है जब भगवान और यहाँ पे आऊंगा इसको फिर ये वाला लिप्सिंग को ओपन करूँगा ओपन करने के बाद इसको क्लोज करूंगा फिर इसके बाद ये वाला लिप्स मिल ओपन कर सकता हूँ फिर इसके बाद बंद कर सकता हूँ तो ये भगवान ने मुझे मुझे के लिए मैं ऐसा कर सकता थोड़ा मैं एक लिप्सिंग रखूंगा ऐसा और फिर इसके बाद ये क्लोज और इसके बाद ये ये ओपन ये ये कितना गैप रखना है थोड़ा सा ज्यादा मत रखना नजदीक नजदीक रखना तो इतना सा गैप रखना तो अभी मैं फटाफट ऐसा कर लेता हूँ बाद में इस तरह कर देता भगवान ने मुझे ये ए, मुझे चुनिंदा ये बोल रहा है जब भगवान ने मुझे चुनिंदा चुनिंदा बोल रहा है तो आप इसमें जैसे आपको लगता है चुनिंदा में इसके दांत नजर आ रहे तो ये वाला लगा दो पर जब आप ये वाला लिपस्टिंग लगाते हो जो ये वाला है तो इसके बाद इसको ओपन भी करना पड़ता है ठीक है इसके बाद, इसके बाद इसको चुनिंदा दोस्त यहाँ से इसके दोस्त इधर ही बोल रहा है तो क्यों ना मैं इधर ही कर लेंगूंगा इसको दोस्त ऐसा इसके बाद बंद बोलता है मुझे चुनिंदा दोस्त चुनिंदा दोस्त यहाँ पे दोस्त बोल रहा है तो मैं इसको ये बदलता हूँ ड्राइंग को

इतना छोड़ दिया अब यहाँ से लल्लू ये बोलते हैं पे लल्लू वैसे तो, वैसे तो यहाँ पे बहुत गैप दे रहा है ना तो कुछ ये मैं इसको हटाई दे तो यहाँ पे इतना और यहाँ से बोलते हैं लल्लू तो यहाँ पे ये ये वाला ओपन करता हूँ लल इसके बाद ये वाला लगा देता हूँ ताकि लल्लू आएगा लल्लू यस इतना ठीक है थोड़ा लंबा करता हूँ लल्लू ये बोलता है लल्लू तो वह बोल रहा तो मैंने ये कर लल्लू और कल्लू कल्लू और ना। लल्लू कल्लू कल्लू बोल रहा है। तो पहले मैं यही ओपन करता हूँ कल्लू में एकदम से ये आएगा और इधर से मैं इसको ये ओपन करता हूं। इस वाले को इस वाले को मैं हटा रहा हूं अभी ठीक है तो मैंने आगे लेके रखा था इसको मैं क्लियर की फ्रेम कर रहा हूँ मुझे ये नहीं चाहिए मैं अपने हिसाब से इसको ले रहा हूँ तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये बोलता लल्लू और यहाँ बोलता है कल्लू कल्लू यहाँ पे ये बंद कर दूंगा यहाँ पे इधर आके बंद कर दूंगा लिपसिंग थोड़ा लंबा होगा ना नलू। और नल्लू और, और ओ कर दिया इसके बाद बंद कर दिया और नल ये और इसके बाद इसको बंद थोड़ा सा बंद कर दिया इसके बाद जैसे ये बोलेगा और नलू। नल नल नल्लू तो फिर ये वो अपना डायलॉग देख के ठीक है तो एक बार आप सुनोगे ना कैसा बना अगर मैं आपको ऐसा सुनाता हूं थोड़ा कम सुनाई दे सकते हैं वरना जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए लल्लू कल्लू और नल्लू तो हमने क्या किया यहाँ पे एक ऐसा मतलब ऊपर लेवल पे हमने लिपसिंग कर लिया मैच करके थोड़ा थोड़ा तो इसके बाद जो वो ये वॉइस ओवर है इसको कॉपी कर लो यहाँ से और फिर बाहर आ जाओ यहाँ पे ज़रूर जरूर चेक कर लेना अगर मान के चलो आपका ये अंदर देखना ये बात को हमेशा ख्याल रखना कि यहाँ पे अगर एनिमेशन देखोगे कितना फ्रेम तक है वन सेवनटी सेवनटी टू तो यहाँ पे भी आपका ये जो पूरा लिपसिंग लिप सिंग है यहाँ पे भी आपका वन सेवनटी टू तक होना चाहिए यहाँ पे देखोगे कितना है वन फिफ्टी से वन फिफ्टी वन हंड्रेड फिफ्टी वन तो इसका मतलब है लूप में चलेगा सेवेंटी वन तक तो है ही नहीं है तो आगे बढ़ा के रखो पूरा ऐसा करो ऐसा बड़ा आखिर रखो ये चेक करना होता है ठीक है तो अब ठीक है फिर इसके बाद बाहर आ जाओ बाहर आके मतलब एक स्टेप बाहर मतलब जहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे जैसे आपने वॉक साइकिल किया होगा तो पता होगा कैसे अंदर एडमिशन होता है तभी मैंने बोला कि ये बस समझने का गेम है बाकी एक जैसे ही होता है तो यहाँ पे आपने लगाना है पेस्ट करना है अपना वो लगा दिया वॉइस ऊपर लगा दिया ठीक है थीके? तो वॉइस ऊपर कहाँ तक है हमारा यहाँ तक है तो इधर तक मैंने पूरा सेलेक्ट किया और इसे एफ कर दिया इधर ऐसा ठीक है अब यहां मुझे काम करना है क्यों नहीं चल रहा मतलब है जो ये हमारा सिंगल फ्रेम देखो कभी, कभी क्या होता है कभी कभी तो इसको लूप करो तब जाके इसका लिप्सिंग चलेगा ठीक है तो इसका लिपसिंग चलेगा अब यहाँ पे जो एक्टिंग में अप्लाई करूंगा ना वो मेरा एक्टिंग है यानी कि मैंने सोचा है आपका कुछ भी हो सकता है तरीका की लगाने का एक जैसा ही है जैसे कि मैं तीन की लगाऊंगा चार की लगाऊंगा आप कुछ भी कर सकते हो तो मैं देखो यहाँ पे ये यह बोल रहा है जब, तो, जब भगवान ने तो पहला की मैंने यहाँ पे लगा दिया फाइव पे एफ सिक्स और दूसरा की मैंने यहाँ पे लगा दिया एफ सिक्स और एक की मैंने लॉन्ग टाइम पे इधर इधर लॉन्ग में यहाँ पे लगा दिया एफ सिक्स ठीक है तो इतना लगा दो आप भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरा सेलेक्ट किया राइट क्लिक किया क्रिएट क्लासिक ट्विन और लास्ट वाले पे आए और इसको कर दिया इज आउट अब ये बोल रहा है जब भगवान ने मुझे जब भगवान ने मुझे तो अगर मेरे को लगता है कि एक्टिंग में पहले हाथ आगे कर रहा है तो मैं आगे करूंगा अब आपकी मर्जी आपको लगता है पीछे करा तो पीछे करो तो मैं इसको आगे करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा अभी फैले तो फर्स्ट तो मैं इसका अपर पार्ट पकड़ा पॉइंट इधर रखा जरा सी इसे आगे की तरफ से ले लिया जरा सा ठीक है ज़रा सा आगे ले लिया हाथ को जरा सा अंदर की तरफ रोटेट किया दूसरे वाले हाथ को भी अंदर की तरफ रोटेट किया यूँ ऐसा और ये वाले अब आप चाहो तो हेड को भी ऐसा रोटेट कर सकते हो तो ये क्या हुआ जरा सा ही आगे की तरफ हुआ और इसके बाद पूरा पार्ट अपर पार्ट पार पकड़ा पॉइंट इधर रखा पीछे की तरफ कर दिया यू और इधर से पकड़ा हेड को ऐसा किया साथ में पूरा सेलेक्ट किया ऑल्ट के साथ थोड़ा सा ऐसा कर दिया अगर करना चाहते ताकि पूरा ऐसा मूवमेंट हुआ ऐसा। तो ये कर दिया अब ये कर दिया अब ये, दिया। अब ये मैं चाह ये जो मैं एक्टिंग सोच के रखा ना हाथ आगे करेगा मेरे माइंड में बाकी की तो एक जैसा लगेगा सब जगह जैसे आपका माइंड में होगा कि पीछे नहीं बल्कि दूसरा हाथ करेगा तो वो तो वो तो आपका आपका अपना वो है एक्टिंग है तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा हाथ पीछे चला गया और ये वाले हाथ से आगे की तरफ यूं आया और पीछे वाला की मैंने याद रखना आठ पे यहाँ पे आया डबल क्लिक करके अंदर चला गया ऊपर जाके एफ सिक्स किया और पीछे मैंने कितने पे आठ पे जो मुझे याद है कि बाहर वो आठ भी था और आठ पे ही करना है तो राइट क्लिक करना क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट और यहाँ पे आया जरा सी इसे ऊपर की तरफ यूं किया

अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बाउंसिंग बॉल की तरह एडमिशन करना है तो आप क्या कर सकते हैं यूँ गया और एक एक आपने यहाँ पे लगा दिया की एफ सिक्स और पहले यहाँ पे एडमिशन कर लो फिर यहाँ पे आओ क्रेट क्लासिक ट्विन और यहाँ पे कर दिया और इसके बाद अगर आपको जैसे ये यहाँ या, पे आपने की लगा दी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हिलाना तो आप यहाँ पे भी की लगा सकते हो यहाँ पे भी की लगा सकते हो वरना मैंने एक ही यहाँ पे लगा दिया जैसे ही पहले पीछे गया और पीछे जाने के बाद यहाँ पे इसके आ, ये मैंने थोड़ा नीचे किया पॉइंट को ज़रा सा मैंने इसको आगे की तरफ ही कर दिया हूँ जरा सा आगे किया तो ये कैसा हुआ कि ये ऐसा हुआ थोड़ा सा ये पीछे गया फिर ये ऐसा आगे की तरफ आया हूँ और इस वाले हाथ को जो है इसका जो हाथ है ज़रा सा मैंने इसको हाथ को ऊपर की तरफ किया यूं तो ये कैसा हुआ ये ऐसा था सॉरी ये ऐसा था यूं ऊपर गया और इस तरह ये फिर आगे अगर नहीं आ, अगर मुझे ऐसा लगता है इसको ऊपर नीचे करना हाथ को तो मैं क्या करूँगा आगे ऊपर गया फिर यूँ ऐसा गया तो फिर मैं उसको थोड़ा सा ऐसा नीचे कर सकता हूँ ताकि ऐसा है ठीक है यूँ अगर आपको लगता है इसके अंदर करना है तो आप यहाँ पे इस आगे रखो इसके अंदर जाओ और यहाँ पे जाके एक एपसिक्स लगाओ और क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको ज़रा सा नीचे की तरफ ही करो पहले ऊपर की तरफ गया ना तो कैसा होगा यहाँ पे ऐसा यूँ तो ये क्या हुआ ऊपर की तरफ गया बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लो फिर तो और और सही लगेगा जैसे ये यूं गया फिर ये वापस ऐसा नीचे की तरफ आया यूं ऐसा ठीक है तो यहाँ पे ये इतना आ जाता है फिर ये ऐसा कर रहा हूँ ज़रा से ऐसा ठीक है तो इतना काम कंप्लीट हो गया ऐसा और जब ये ऐसा इतना ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पिछले हाथ को आप थोड़ा सा पीछे पीछे की तरफ कर सकते हो ऐसा तो ये इतना सा आएगा तो इतना सा काम हमने कर दिया यहाँ पे और आप चाहो तो सॉरी यहाँ पे की लग गया इसको मैं क्लियर की फ्रेम करता हूँ यहाँ से जो ऑटो की ये मेरा ऑन था इससे ये हुआ था ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा नीचे अगर मेरा ऐसा होता तो क्लियर की फ्रेम कर दिया फिर इसको पकड़ा इसको फिर से मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट कर दिया ऐसा तो पहला स्टेप मेरा क्लियर हो चुका है यहाँ पे ये पहला ये आप चाहो तो एक ही और लगा के फिर उसको थोड़ा सा वापस लाइक बाउंसिंग बौ, बॉल की तरह लगा सकते हो तो ये यहां पे बोल रहा है कि भगवान ने, भगवान ने, ने मुझे मुझे वो यहां पे यहां पे बोल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इतने में इतने में की लगा दिया ध्यान दे, से देखना कि यहाँ पे ये इतने में मैंने की लगा दिया ये मैं वॉइस ओवर के साथ कर रहा हूँ देखो वॉइस ओवर ने ये क्या बोला जब भगवान ने मुझे मुझे वो इधर बोल रहा है तो मैं चाहता हूँ मुझे में वो पीछे पीछे की तरफ ये कर रहे मतलब हाथ लाए तो पहला की मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इधर लगा रहा हूँ और ये जो ये जो ये पार्टन आप चाहो तो इधर लगा दो की? जैसे मैं लगाता तो, हूँ अगर नहीं भी लगाओगे ना तब भी चलेगा सीधा क्रिएट क्लासिक ट्विन कर लो तो ऐसा करो और सीधा इसको पकड़ो इज इस आउट करो यहाँ पे भी लगा सकते हो कि ध्यान से सुनना नींब भी लगाओगे तब भी चलेगा यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद जैसे बॉडी में आगे गया तो मैं क्या करूंगा इधर आया ये इधर रखो पहले इधर आया और इधर आके मैंने पॉइंट को इधर लाया और इधर से इसके बाद मैं जरा से इसे पीछे की तरफ किया ज़रा सा थोड़ा प्यार से करना पीछे की तरफ और हाथ को ऊपर की तरफ उठा दिया और नजदीक चला गए और ये पीछे वाले पार्ट को पकड़ा इसको भी थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दिया ठीक है इस तरह कर दिया तो ये क्या है ऐसे थोड़ा सा मूव होता रहेगा ठीक है और मूव होता रहेगा और इसके अंदर अगर मुझे कुछ एनिमेशन करना है जैसे कि मैं हर बार बताता ही हूँ तो थोड़ा बहुत मूवमेंट दे दे दो फिर इस पर तो एफ सिक्स कर दो और दो का गैप दे दो एक दो तीन में दे दो यहाँ पे एफ सिक्स और एक दो और इधर कर लो एफ सिक्स तो ऐसा तीन का गैप दे दो ठीक है एक यहाँ पे करो कहो क्रेट्लासिक ट्विन इधर आए आइज़ नोज लिप्स आइज नोज लिप्स जो भी इसकी मूछ भी है इनको पकड़ा बाकी को मैंने अनसेलेक्ट किया ज़रा सा नीचे किया तो ये अब थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर मुझे लगता है कि मतलब ज़्यादा हो गया तो फिर से पकड़ो शिफ्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर किया तो ये ऐसा ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा मूवमेंट होगी फेस में फिर इसको पूरा सेलेक्ट किया ऑल्ट के साथ आगे रखा जब भी आप किसी चीज को ऑर्ड के साथ रखते हो तो हमेशा करके फ्रेम करके करके इसको जरूर कर लेना तो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत यहाँ पे एनिमेशन हो जाएगा फेस का तो यहाँ अब जब ये बोलता है कि जब भगवान ने मुझे अब यहाँ पे बोलता बागवान ने बागवान ने मुझे।, ने मुझे तो अब मैं क्या करता हूँ देखो ध्यान देना ये मैंने अपने किसी और ट्यूटोरियल में ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे मैंने की मतलब नहीं लगाया ये बस अभी के वो पे कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने की नहीं लगाया ये भी सही तरीका है ऐसा करोगे तो ऐसा भी होगा की लगाओगे तब भी होगा अभी देखो मैं यहाँ पे भी मैं की नहीं लगा रहा हूँ ठीक है थीके? आप चाहो तो यहाँ पे की लगा सकते हो एक पर ऐसा मत सोचना मेरा पुराना वीडियो देखे नहीं यहाँ पे मैंने की लगाया तो अब यहाँ पे की 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 क्यों नहीं लगाया आप चाहो तो लगा सकते हो वरना यही काम करेगा अभी देखोगे ये ये इतना देखोगे मैं वॉइस ओवर यहाँ पे बंद करूंगा इतना तो काम कर रहा है ऐसा ठीक है ये ऐसा आ गया और फिर पीछे की तरफ आया तो अगर ये इतना काम कर रहा है तो अब यहाँ से ये मैं चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे ये ऊपर की तरफ आया हाँ था तो यहाँ पे मैं कोई की नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे तो मैं सीधा यहाँ पे आया एक ही यहाँ पे लगा रहा हूँ सीधा ऐसा पर आ, एक काम कर लो आप की लगा ही देना वरना कहीं कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ पे की लगा दिया मैंने वरना ये वाला की पीछे वाला की काम करता तो मैंने यहाँ पे की लगा दिया एक की मैंने यहाँ पे लगा दिया ठीक है लगभग मैंने इतने पे कर दिया एफ सिक्स और एक की मैंने फिर आगे लगा के इतने में कर देना थोड़ा सा इतना चलो थोड़ा सात और आठ का गैप रखना तो इतना मैंने एफसिस कर दिया तो ये मैं तीन की लगा रहा हूँ यहाँ पे अभी पहले तीन की क्या ये वाली की अगर मैं नहीं लगाता तो ये दो की होता ना आपस में मैच करती मतलब मैं एक ही कर सकता इनको जो मैंने आपको बोला ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ अब ये बोलता है मुझे पहले तो पीछे की तरफ यूँ गया अब मैं क्या करता हूँ इसको आगे की तरफ लाना चाहता हूँ थोड़ा तो अपर पार्टी पकड़ा पॉइंट को इधर लाया पीछे ले लिया थोड़ा पीछे लेने के बाद थोड़ा सा हाथ को मैंने नीचे लिया पीछे वाले हाथ को पकड़ा जरा सी इसे आगे की तरफ किया ज़रा सा करना और बस इतना सा कि आप चाहो तो हेड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करो तो यहाँ पे पहले पीछे गया देन मैं चाहता हूँ कि इसको आगे आए और इसके बाद मैंने अपर पार्टी पकड़ा पॉइंट को इधर लाया पूरा ऐसा सेलेक्ट करके इसको यूँ थोड़ा झुका दिया नीचे की तरफ झुकाने के बाद हेड को मैं थोड़ा सा ऐसा नीचे कर सकता हूँ और ये ये हाथ को पकड़ा इस हाथ को पीछे की तरफ किया क्यों क्योंकि मैं इसको ऊपर खींचूंगा अंदर से ऐसा मतलब रोटेट करूंगा तो पिछला की याद रखना थर्टी फोर पे और यहाँ पे आया स्टेप बाय स्टेप तो आगे आया और इसके अंदर चला गया यहाँ पे जाके एफ सिक्स किया और पीछे मैंने थर्टी फोर पे एफ सिक्स किया जितना बार है उतने पे करना क्रिएट ला ट्विन इज आउट और यहाँ पे आया और यहाँ पे आके इस हाथ को अंदर की तरफ किया जरा सा आप नीचे की तरफ भी कर सकते हो यूं अगर करना चाहते हो तो ये बोल रहा भगवान ने मुझे ऐसा तो ये यहाँ पे बोलेगा भगवान ने मुझे ऐसा यूं करेगा ठीक है यू मुझे ये इतना सा काम हो चुका है पीछे मैंने दूसरे पार्ट को पकड़ा और जरा सा मैंने इसको आगे की तरफ किया ऐसा थोड़ा सा और कर लो बल्कि इतना कर लो इतना हो जाएगा तो ये कितना वो ऐसा होगा ऐसा ठीक है इतना कर दिया और ये अभी देखोगे ये बोलेगा कि यहाँ पे भगवान ने मुझे ये बोलेगा कि भगवान ने मुझे ये भगवान ने मुझे ऐसा तो भगवान ने मुझे अपनी तरफ कर ये मैं मेरे एक्टिंग का मे एक्टिंग मेरा ऐसा है आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो मतलब जरूरी जरूरी नहीं वो चेस्ट पे हाथ लगा रहा जरूरी जरूरी नहीं वो आगे हाथ कर रहा आपको मन करे तो दोनों हाथ से बात कर रहा है तभी मैंने बोला तरीका एक होता है हमेशा बोलता हो एनिमेशन कभी भागने का गेम नहीं है ऐसा कर दिया ठीक है इतना सा कि भगवान ने मुझे ऐसा ठीक है अगर आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे देखो आई ब्लिंकिंग इधर कर रहा है तो आई ब्लिंकिंग यहाँ भी कर सकता है पर बाद में अंदर जाके कंट्रोल अभी देखो मैं आगे जाके कंट्रोल करता हूँ आई, आई ब्लिंकिंग को तो इतना सा हो गया भगवान ने मुझे तो जब मैंने इतना किया आगे की तरफ अब मैं थोड़ा सा इसे एक की मैं यहाँ पे लगा दी तो देता हूँ ऐसा की लगाया और एक देखो अगर आपको ऐसा दिखाना ना बाउंसिंग बॉल की तरह आगे पीछे जैसे ये हो रहा है आगे पीछे थोड़ा सा होता ना वो थोड़ा सा ऐसा हिलता है जैसे होता ना आगे की तरफ हिलता है बाउंसिंग बॉल की तरह तो आप चाहो तो एक ही लगा दिया आपने यहाँ पे एक ही और लगा दो यहाँ पे ठीक है इस तरह का तो मैंने पहले कभी बोला बोला नहीं पर अभी देखो इसको इसको आप ऐसा भी कर सकते हो तो कितना की हो गया एक की दो की तीन की चार की पांच की छह की तो मैंने ऐसा किया थोड़ा सा अलग देखो यहाँ पे पकड़ा क्रिएट क्लासिक ट्विंट किया यहाँ पे आगे आया और बीच में आना है बीच पे आना है बीच पे आके पूरा ऐसा सेलेक्ट करना है और इसको पॉइंट को पकड़ के इधर रख लेना इधर रख के आपने जरा से इसे पीछे की तरफ कर लेना यूं ऐसा कर लेना और नीचे नीचे से देखोगे जो जो हाथ मेरा यहाँ पे आगे की तरफ आया और इस वाले हाथ को मैं आगे की तरफ आया ना तो यहाँ पे मैं जरा पीछे की तरफ करूंगा अब एक बार यहाँ पे देखूंगा कि कैसा हुआ तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा करेक्टर ऐसा हुआ यहाँ पे पीछे आगे पीछे ये मूव होता है देखो नजदीक जाऊंगा तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा था ये ऐसा ठीक है ठीक है ये देखोगे थोड़ा पीछे गया फिर ये आगे यानी कि पहले आगे आया फिर पीछे गया फिर वापस आया तो यहाँ पे मैं जरा सा अगर चाहूँ तो जरा से इसको हेड को ऐसा रोटेट करके तो तो ये फिर ऐसा दिखे, ऐसा ऐसा ठीक है मतलब बॉल की तरह अगर आपको लगता है कि नहीं वो कुछ ज़्यादा ही पीछे की तरफ पीछे की तरफ रोटेट हो गया तो पकड़ो पॉइंट को इधर लाओ और जरा से इसे फिर थोड़ा आगे रखो जरा सा फिर आगे करो जरा सा तो क्या हुआ ये? ये आगे गया फिर पीछे आया फिर ऐसा देखो ऐसा तो ये क्या बोलेगा भगवान ने मुझे ऐसा ठीक है तो ये जो मैंने यहां पे जो मैंने काम किया ये वाला ये इस, इसलिए किया कि आपको ये बोलने के लिए जैसे बाउंसिंग बॉल वो होता है ना मतलब वो बार बार वो हो रहा है अदरवाइज अगर इतना नहीं होता ना खाली इतना करो ऐसा फिर पीछे फिर वो ऐसा अपनी जगह पे तो ये वाला मत रखो फिर ये वाला अगर करना है तो ऐसा ठीक है तो ये कर सकते हो पर ये अच्छा दिखता है या अच्छा जब काम होता है तो अच्छा दिखता है अदरवाइज नहीं रखना है तो आप इसको सीधा पकड़ो राइट क्लिक कर क्लियर की फ्रेम करो अगर नहीं करना ये इतना नहीं आपको बस इतना चाहिए ऐसा ये 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 आगे आया और ये पीछे आया ऐसा ठीक है तो दोनों चीज आप कर सकते हो तो ये बोल रहा भगवान ने मुझे अब ये यहाँ पे डायलॉग बोलते हैं एक बार पीछे से सुनता हूँ मैं जब भगवान ने मुझे चुनिंदा जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त 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 दिए है तो मैं क्या करता हूँ इतना मैं लंबा की लगा देता हूँ ये बोलता है जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दी है देखो इधर भी मैं एफसिक्स कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे एफसिक्स ना भी करूँ ना तब भी मैं इस तरह कर सकता हूँ काम जैसे मैंने यहाँ पे की नहीं लगाया ना पर लेकिन यहाँ पे लगा दिया आपको बस बताने के लिए तो अगर मैं यहाँ पे ना भी लगाऊ ना तब भी काम हो जाएगा ये बात को ख्याल रखना आप राइट क्लिक किया क्रेट ला ट्विन कुछ भी मैंने की नहीं लगाया दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे आया जरा से मैंने इसको आगे तरफ आगे तरफ किया था मैंने पूरा सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने पॉइंट को इधर लाया ये अपर पार्ट को जरा से मैंने इसको पीछे की तरफ कर दिया ऐसा ठीक है जरा सा पीछे की तरफ किया और थोड़ा सा अगर आपको और अच्छे से बनाना है तो पूरा सेलेक्ट करो पूरा पूरा बॉडी ऑल्ट के साथ जरा सा और, और पीछे करो ताकि निचला पार्ट भी नजर आए पूरा मूव तो मुंह किया ठीक है, तो है? तो इतना सा काम किया और जरा सा ये वाला हाथ है इसको थोड़ा तो सा यू आगे की तरफ किया तो सा काम करके हेड को जरा सा रोटेट तो यहाँ पे क्या होगा जब ये एक जगह खड़ा ही रहेगा तो वो बस मूव होता रहेगा थोड़ा सा तो इसके बाद जो इसके अंदर का पार्ट है वो आप इस अभी फेस के अंदर तो मैंने इतना काम नहीं किया तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कितने पे फोर्टी फोर्टी फाइव पे तो यहाँ पे आया इधर जाके आपका कर, क्या करो या तो ए, एक काम करो यहाँ पे फिर दोबारा दोबारा करने का जरूरत नहीं है एक बार आप सिक्स करो और पीछे देखो जो आपने पीछे काम किया इसी को उठा दो ऑल्ट के साथ और यहाँ छोड़ दो और जब आप उठाओगे तो आपको पता है वो कॉपी हो जाता है कॉपी का मतलब आप क्या करोगे सेलेक्ट ऑल फ्रेम करोगे और फिर इसको सिंक्रोनाइज करोगे ताकि ये मैच हो इसका लिप सिंक सही बैठे ठीक है तो ये कर दो ताकि यहाँ पे पूरा एनिमेशन एनिमेशन दिखे यहाँ पे अगर अगर मुझे लगता है कि मेरा मेरा लिपसिंग यहाँ पे थोड़ा कम पड़ गया तो मैं क्या करूँगा इसको एक बार और उठा दूंगा जैसे ये तीन पार्ट है तो तीन पार्ट को एक बार और उठा दिया इधर तीन की को और सीधा इसको दोबारा सेलेक्ट ऑल फ्रेम सिंक्रोनाइज और बाहर आया तो बाहर आके मेरे पास जो एक्टिंग के अंदर का जो पार्ट है वो नजर आएगा ना अपने में यहाँ पे जब हम नज़दीक में जाएंगे तो हमें यहाँ पे नजर आएगा ना कि जब हम ये जब बात करेगा तो ऐसा लगेगा इसका चेहरा मूव हो रहा है क्योंकि हम ना बिना ड्राइंग के एनिमेशन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा फील देना होता है मुझे लगता है इतना काफ़ी अपने एक यूट्यूब के लिए अगर हम काम करते हैं तो बाकी तो धीरे धीरे जो इसका सेकेंडरी एडमिशन के बाल मूव हो रहे इसके कपड़े मूव हो रहे वगैरह वगैरह ठीक है तो ये सब मैंने अभी इतना किया इतना करने के बाद बोलता है जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए तो मैं क्या करूंगा अब मैं यहाँ पे एक दूसरा एक की लगाता हूँ यहाँ पे देखोगे पहला की यहाँ पे मुझे वैसे की लगाने की जरूरत नहीं है बार बार कह रहा हूँ फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए की यहाँ पे लगा दिया और एक ही इधर लगा दिया और एक ही मैंने लंबा करके इधर लगा दिया छह सात का और एक ही इधर लगा दिया चार की का गैप लगा दिया एक एक ही बार मैंने यहाँ पे चार की दे दिया ठीक है तो पूरा सेलेक्ट किया राइट क्लिक किया क्रिएट क्लासिक ट्विन और आगे वाले को इज आउट किया इज आउट, आउट क्यों करते हैं हम आपको पता है कोई भी चीज स्टार्टिंग में फास्ट होती है लास्ट में, में। स्लो होती है इज आउट इज इन कोई भी चीज स्टार्टिंग में स्लो होती है लास्ट में फास्ट होती है इज इन इज इज इन इज आउट स्लो होती है फास्ट लास्ट में इज इन मतलब आ, लास्ट में फास्ट होती है ठीक है तो यहाँ पे मैंने करना इज इन तो यहाँ पे मैंने इज इन किया तो ऐसा कर दिया और यहाँ पे आया अब ये पूरा पार्ट पकड़ा बॉडी का ज़रा से इसको ऊपर ऊपर की तरफ उठाया ऑल्ट के साथ और हेड पकड़ा रोटेट किया और दूसरा हाथ पकड़ा इसको अंदर की तरफ किया ये ये चेस्ट वाला हाथ को हम मूव नहीं करेंगे अभी तो ये ऊपर गया फिर बीच में आए पूरा पार्ट पकड़ा ऑल्ट के साथ इसको थोड़ा नीचे की तरफ किया हेड पकड़ा रोटेट किया ज़रा से इसे नीचे की तरफ करो और इसको हाथ को थोड़ा अंदर की तरफ करो यूँ तो क्या होगा पहले ये ऊपर गया आप चाहो तो यहाँ पे ज़रा से इसको और रोटेट करो तो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया यूँ और देन लास्ट में मैं यहाँ पे करना चाहूँगा पहले इसका पीछे वाला ड्राइंग पीछे वाला एनिमेशन ज़रूर देखना कैसा यहाँ पे देखोगे ये ये वाला एनिमेशन भी आगे आया तो मैं अब यहाँ पे जब ये यहाँ पे आएगा लास्ट तो यहाँ पे ये ऊपर गया नीचे गया फिर यूँ और फिर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अब ये पीछे की तरफ आए क्योंकि टू है ना तो हम ज़्यादा नहीं खेल सकते हम इतने करेंगे यूँ किया पीछे पीछे किया और पूरा पार्ट पकड़ा ये थोड़ा नज़दीक चले जाओ और ऑल्ट के साथ जरा से इसको पीछे की तरफ कर लो यूँ और हेड को पकड़ो हेड को ऊपर की तरफ करो यूँ और ये करने के बाद ये देखोगे पहले ये यहाँ पे देखोगे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर आगे फिर ये पीछे की तरफ आया यूँ तो ऐसा करने के बाद आप पहले तो एक एक करके मैं वैसे ही करूँगा जैसे मुझे हाथ में करना था तो मैं हाथ में काम करूँगा इसको आगे की तरफ किया यूँ क्योंकि मैं हाथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ अगर मैंने यहाँ पे गोड़ा गोला नहीं बनाया तो मैं ऐसा मैनेज कर सकता हूँ सिर्फ पॉइंट को मत ही लाना तो पिछला की याद रखना यहाँ पे कितने पे है सेवन सेवन पे और इसके अंदर चला गया एफ सिक्स और पीछे सेवन सेवन मतलब सेवनटी सेवन, सेवन यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन इज आउट और इज आउट करके ये वाले हाथ को मैंने आगे की तरफ किया अब मुझे लगता है कि मुझे इस हाथ का ड्रॉइंग भी चेंज करना है तो इसके अंदर चला गया एक एफ सिक्स पे किया और एक एफ सिक्स पीछे किया राइट क्लिक किया क्रिएट क्लासिक ट्विन इज आउट ठीक है अब इसको रोटेट मत करना अभी पहले ड्राइंग चेंज करना ड्राइंग चेंज कहाँ करेंगे एक की छोट के ये एक ही है दो की तीन की यहाँ पे तीसरे में सेवेंटी सेवेंटी नाइन में डबल क्लिक करके अंदर चला गया सेवेंटी नाइन सेवनटी नाइन मेरा ये है एफ सिक्स करो और इसको क्लिक करो फ्रेम पिकर को ओपन करो लेकिन फ्रेम पिकर के अंदर मेरा वो ड्राॅइंग नहीं है जो मुझे चाहिए मुझे चाहिए एक हाथ वाला तो मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरे पास ना बहुत सारा हैंड लाइब्रेरी पड़ा है ये मैंने टेलीग्राम पे चैनल पर भी दिया है तो यहाँ पे देखोगे मेरे को ये वाला हाथ चाहिए तो मैंने इसको कॉपी किया तो आप कोई से भी हाथ आपको लगाना है तो लगा सकते हो तो मैं कहाँ लगाऊंगा इस हाथ को अंदर जाऊंगा यहाँ पे तभी मैंने इसको सिंगल फ्रेम किया था यहाँ पे किया उल्टा करने के लिए मॉडिफाई पे आया फ्लिप ऑरिजेंटल तो यहाँ पे रखूंगा ब्रेक करूंगा कंट्रोल भी और कलर लूंगा आई से कलर ले लिया स्ट्रोक का कलर आप चाहो तो इधर से भी आके ले सकते हो स्ट्रोक लेकिन इसका साइज कितना है इसको देखने के लिए आपको इधर क्लिक करना पड़ेगा देखोगे दो है तो डबल क्लिक करो टू करो स्ट्रोक में आके तो हो गया साइज कंप्लीट तो पूरा सेलेक्ट करो कंट्रोल जी करो पहले इसके ऊपर लाने के लिए ताकि आपस में मर्ज न हो कंट्रोल जी आपने इसे ले किया कितना रखना है ये देखो यहाँ पे कितना रखना है लगभग मैं मुझे इतना रखना है ठीक है अब इतना रखना है इसके अंदर जाओ कंट्रोल जी मैंने इसलिए किया ताकि आपस में मर्ज ना हो और थोड़ा बहुत इसे सेट कर लो इस वाले को हटा दो थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा आपको अगर आपको लगता है ये ये उंगली कुछ ज़्यादा बड़ी है तो ऐसा कर लो ठीक है थोड़ा अच्छे से कर लो फिर अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो इसके बाद ये हटा दिया ये अभी तो ये फ्रेम पिक्र आप हटा दो दोबारा भी ला सकते हैं इसके बाद जो नीचे वाला जो ड्रॉइंग है पूरा सेलेक्ट करो

मुझे नहीं लगता है जो बिना ड्राइंग के एनिमेशन इससे बढ़िया बढ़िया का कोई दूसरा जुगाड़ होगा यही जुगाड़ है काम करने का और जब आप बॉन्ड टूल से करते हो तो ये काम नहीं होता इसलिए मैं कहता हूँ जो भी बॉन्ड टूल से सिखाते हैं सारा गलत सिखाते हैं बिकॉज वो वो गलत है तरीका वो हमेशा मोशन ग्राफिक में यूज होता है या फिर किसी भी इमेज किसी भी इमेज को मूव वो करने में होता है क्योंकि बॉन्ड टूल से ऐसा नहीं होता है ठीक है तो मैंने इतना किया देखो ऐसा आगे की तरफ तो इतना हो चुका है अब तो यहाँ पे आप देखोगे जब ये आगे की तरफ बढ़ा रहा हाथ को कि ऐसा यूं और ये कर रहा है इतना करने के बाद जैसे ये मेरा जो पूरा पूरा बॉडी का पार्ट है ये पीछे की तरफ गया तो वो भी छोटा सा जो हम हमेशा पीछे मैंने दिया था वही वाला मैंने यहाँ पे किया पूरा सेलेक्ट किया क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और मैंने पूरा अपर पार्ट को पकड़ा पॉइंट को इधर रखा ज़रा से इसे आप चाहो तो थो थोड़ा नज़दीक से काम कर लो पॉइंट को नीचे लाया ज़रा से इसे आगे की तरफ जरा सा रोटेट किया हेड को पकड़ा ज़रा सा नीचे किया हाथ को पकड़ा ज़रा सा ऊपर किया और दूसरा ये पीछे वाला पार्ट को जरा सा अंदर किया तो ये कैसा हुआ यूँ आगे यूँ ऐसा ये थोड़ा सा मेरा ऊपर की तरफ ज़्यादा चला गया ज़रा सा मैं नीचे की तरफ करता हूँ तो ये यूँ ठीक है ये ऐसा कर रहा है तो ये आगे आगे तरफ गया तो इतना अगर आपको लगता है थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे करना तो अंदर जाके आप वो काम कर सकते हो जैसे इसने ये जो हाथ है तो ये हाथ ऐसा अभी ये यूँ आया और इसके बाद ये आगे किया आगे करने के बाद अगर आपको लगता है कि ऊपर नीचे करना तो अंदर जाके आप की लगा दो इधर इधर आप की लगा सकते हो अभी तो मेरा ये हाथ ऊपर की तरफ यूँ ऐसा ऊपर की तरफ गया ऐसा तो आप यहाँ पे जाके की लगा सकते हो तो मैंने अभी नहीं लगाना मैंने इतना इतना ठीक है ठीक है ये ऐसा पहले ये पीछे की तरफ गया फिर ज़रा सा आगे की तरफ का आ गया ऐसा तो इतना सा काम कम्प्लीट हो गया ऐसा ठीक है ये काम कम्प्लीट हो गया एक बार मैं वॉइस ओवर यहाँ पे सुनता हूँ कि क्या ये बोल रहा है जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए लल्लू कल्लू और नल्लू तो जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए लल्लू कल्लू और जो भी बोल रहा है यहाँ पे थोड़ा आगे हो गया है इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट के साथ पीछे कर लेना ये आगे कर लेता हूँ ठीक है ओके ठीक है इतना हो गया अब यहाँ पे बोलते हैं जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए ऐसा और इसके बाद बोलते हैं यहाँ पे लल्लू 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 इस तरह बोलता है लल्लू कल्लू और लल्लू कल्लू लल्लू कल्लू और ऐसा तो अब ऐसा बात करता है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ये एक छोटा सा यहाँ पे मैं इस तरह कर सकता हूँ जैसे कि एक ही मैंने यहाँ पे लगा दिया पहले एफ सिक्स और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक इतना सा यहाँ पे बोलता है लल्लू लल्लू और इतना सा मैंने एक इस तरह लल्लू लल्लू इतना सा यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया तो वा वाला मैंने एक वो, वो रखा है पीछे वाला जैसे मैंने पीछे काम किया था वैसे मैंने यहाँ पे रखा राइट क्लिक किया क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको इज आउट और यहाँ पे आया और ये जो पार्ट मैंने पीछे की तरफ किया था यहाँ पे पीछे हमने यहाँ पे ये पीछे की तरफ किया था अब हम थोड़ा सा इसे आगे की तरफ करेंगे पूरा पकड़ा अपर पार्ट पॉइंट को इधर लाया जरा से इसे आगे की तरफ ही किया बस ये बोल रहा है खाली इस तरह मैंने दिखाने की कोशिश किया और ये जो हाथ है पीछे उस वाले हाथ को पकड़ा और जरा से इसे आगे तरफ किया तो ये बोला अब अब ये वाला हाथ को थोड़ा सा मैं और आगे करता ऐसा करता हूँ बल्कि ऊपर की तरफ तो ये बोलेगा लल्लू ऊपर तो की तरफ ये हाथ को मैंने ऊपर की तरफ किया देन मैं उसके अंदर जाके अच्छा कर सकता हूँ तो इसको नीचे की तरफ तब लगेगा आगे की तरफ ही कर रहा है तो पीछे एटी एट पे है और इस वाले हाथ के अंदर चला गया तो यहाँ पे जाके मैंने किया

और ये फिर दूसरा वाला हाथ अगर हमारा ये आगे तरफ कर रहा है तो पीछे वाला हाथ को पकड़ो और इसको पीछे की तरफ कर लो फिर और ज्यादा ये और ये हेड को जरा सा ऊपर की तरफ रोटेट किया तो ये हो गया और हेड के अंदर आपने वो जो एनिमेशन है वो यहाँ पे कर लो इधर जो इधर इसके अंदर तो वो इसके अंदर कर लेना ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने से पहले जैसे हमने यहाँ पे इसको ऊपर नीचे करना है उस इससे पहले हमें ये बात का ख्याल रखना है जब हमने यहाँ पे इसको ऊपर नीचे किया ना मतलब ऊपर नीचे तो इसके अंदर भी हमने काम करना है तो आपने आगे मैंने यहाँ पे की लगा दिया इससे पहले आप पीछे वाले काम इस इससे पहले आप यहीं पे काम कर सकते हो जैसे कि यहाँ ऊपर नीचे गया तो आप क्या करोगे ये वाला की याद रखोगे कितना सत्तर पे है इस की को याद रखने की जरूरत नहीं है पिछला बार ये वाला की कितना एट्टी फोर पे है तो यहाँ पे आओगे इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी आप फिर एफ सिक्स करोगे अगर इसके अंदर काम करना है तो पीछे आगे कितना यहाँ पे कितना था सत्तर में था सेवन जीरो में था तो यहाँ पे आपने एफ सिक्स किया और यहाँ पे कितना एट्टी फोर में लगभग एक बार देख लेना ना बाहर आके कि कहाँ पे की है यहाँ पे देखोगे एट्टी फोर पे है तो यहाँ पे आओ यहाँ पे फिर आप एटी फोर पे करना अगर करना है इसके अंदर काम तो ये करो फिर पूरा पकड़ो राइटली करोट क्लासिक ट्विन एक साथ मैंने इसको इज आउट किया और एक को पकड़ा एक को मैंने सॉरी इस वाले को पकड़ा इस वाले को मैंने इस दिन किया सिंपल सब में एक जैसा ही होता है ठीक है और ये फिर नजदीक चला गया आइज नोज जो भी मुझ है इसके इसको पकड़ा जरा इसे नीचे की तरफ कह ऐसा और ये वाले कान को पकड़ा इसको मैंने ऊपर की तरफ किया आइज को फिर आइज के अंदर चला गया अब देखो कंट्रोल कैसे करना जो मैं पहले बोल रहा था एफसिक्स करो रेफरेंस के तौर पे जो पीछे आपने क, वो आई ब्लिंकिंग किया है उसको ऑल्ट के साथ उठाओ आगे रखो ऐसा तो ये यहाँ पे आ गया अभी आइज यहाँ पे बंद हो गई तो जब मैं बाहर आऊँगा तो मेरी ये ऐसे बंद होगी फिर खुलेगी तो अब यहाँ पे देखोगे जब ये जब ये पूरा हेड नीचे जाएगा तब ये मेरा जो हेड नीचे जब नीचे जाएगा तभी आइज बंद होगी हूँ तो ये आप काम बाद में भी कर सकते हो पहले इसके साथ साथ में भी कर सकते हो सेम चीज़ जो मैंने बोला यहाँ पे अगर इसका हेड को आपको लगता है एडमिशन करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हो तो आप यहाँ पे क्या करो यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे आप ए एफ सीज कर लो फिर पीछे से उठा दो यही उठा दो उठाना चाहते हो तो इसी को उठा दो इसी को उठा दो ऐसा ऑल्ट के साथ उठाओ और आगे छोड़ दो इतना सारा तो इसको उठाया राइट क्लिक किया सिलेक्ट ऑल फ्रेम किया सिंक्रोनाइज करना जरूरी है ताकि मैच हो यहाँ पे जरक नहीं आना चाहिए तो ये ऐसा ऊपर नीचे करेगा तो जब मैं बाहर आऊँगा तो यहाँ पे दिखेगा लल्लू ये बोलेगा यहाँ पे लल्लू जो भी जिस तरह ये बात करेगा अब अगर मुझे लगता है कि मेरे आ, अभी इतना तो काम कर दिया आगे भी बोलेगा लल्लू पल्लू जो भी बोलेगा तो यहाँ पे मैं वापस करना चाहता हूँ जैसे वॉइस ओवर में ये बोलेगा यहाँ पे लल्लू और इसके बाद ये वापस अपने हाथ को वापस लाएगा तो मैं यहीं पे भी यहीं पे लगभग इसके आगे यहाँ पे लगा देता हूँ लगभग इतने भी लगा देता हूँ एफ और यहाँ पे भी करता हूँ इतने में भी एफ इतना किया पूरा सेलेक्ट किया क्रिएट क्लासिक ट्विन यहाँ पे मैंने की नहीं जोड़ा

और ये ये हमारा वैसा ऊपर की तरफ चला गया थोड़ा इस वाले को मैं नीचे की तरफ करता हूँ ऐसा और पीछे वाले पार्ट को पकड़ा हाथ को ज़रा से इसे आगे तरफ किया फिर तो ये इतना यूँ हुआ और लास्ट में आए लास्ट में आके मुझे जब इसको आगे की तरफ करना तो मैंने पहले पीछे की तरफ किया तो मैंने पॉइंट को इधर लाया और सिर्फ इसको अपनी जगह पर यूँ कर दिया थोड़ा सा नज़दीक दिखाता हूँ आपको करके इतना तो यहाँ पर मैंने पीछे किया था यहाँ पर मैंने अपनी जगह पर कर दिया और जो हाथ है हाथ को फिर नीचे की तरफ ला दिया यूँ पिछला कि ये याद रखा वन वन थ्री पे है एक सौ तेरह पे इसके अंदर चला गया और यहाँ पे जाके मैंने एफसिस किया पीछे एक एक तीन पर एफसिकस करके क्रिएट क्लासी ट्विंग करके इज आउट कर दिया और यहाँ पे आया और हाथ को सीधा कर दिया सिंपल तरीका अगर अब ये ड्राइंग बदलना है तो ड्राइंग बदलने का भी सिंपल तरीका अंदर चले गए यहाँ पर जाके पहले एफसिक्स कर लो ताकि रोटेट करने का जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम रोटेट कर सकें क्रिएट क्लासी ट्विट करो इज आउट करो और इसको आगे तरफ बढ़ा के रखो एफ ठीक है इसको यहाँ पर हमने ड्रॉइंग बदलना है तो कहाँ पे बदलना है एक की यहाँ पे दो की यानी कि एक सौ पंद्रह तो इसके अंदर जाओ ये आइडिया मिल जाता आपको कि, कि ये मुझे यहाँ पे चेंज करना है ठीक है तो यहाँ पे एफ सिक्स किया और यहाँ पे आके इसको वन कर दो अभी तो मुझे फिर फ्रेम पिकर फ्रेम पिकर ओपन करने की जरूरत नहीं है ना क्योंकि दो ही ड्रॉइंग है तो मैं इसको यहीं से वन कर देता हूँ तो वन हो गया अब रोटेट करने के मुझे कुछ मतलब लगता है कि तो यहाँ से रोटेट करता हूँ तो ऐसा हो जाता है ठीक है तो इससे क्या होगा मेरा हाथ ये नीचे की तरफ ये अपनी जगह पे आ गया वापस और दूसरा मेरा जो पिछला वाला हाथ है इसको मुझे रोटेट करके इसके उल्टा उल्टे ऊपर आगे कर लो तो, तब तो तो ये ऐसा हो गया ये ये यहाँ पे बोलते हैं अब कर लो इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और आगे पीछे करना है वही देखो मुझे लगता है पीछे वाले की तरह ही काम है नॉर्मल काम है तो वो कोई ऐसा इतना याद रखने की जरूरत नहीं बस एक बार आप प्रैक्टिस हो गया तो फिर हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा आगे हुआ अब मैं यहाँ पे थोड़ा से इसे वापिस ये यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे इसे वापिस पीछे की तरफ कर लूंगा ऐसा ठीक है तो ये कैसा हुआ यूं फिर ये अपनी जगह पे पीछे और ये वाले हाथ को जरा सा बाहर की तरफ करता हूँ इस वाले हाथ को भी जरा सा बाहर तो कल्लू तो ऐसा हो गया कल्लू ठीक है ऐसा इतना हो गया और इसके बाद है कल्लू तो ये कल्लू बोलता है तो कल्लू के लिए आप चाहो तो ये वाला हाथ को वापस ले सकते हो या फिर अगर नहीं करना है तो नॉर्मली भी एक जगह पे भी, भी ये मूव कर सकता है कल्लू तो कल्लू कर रहा है कल्लू बोल रहा है तो वैसे भी ऐसा बार बार आगे पीछे तो आगे पीछे तो ऐसा मूव होगा नहीं तो बेहतर है आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे की लगा दिया अगर नहीं भी लगाओगे यहाँ पे की तो सीधा लगा दो इतना इतने में इसने बोले कर लो लगभग इतना इतना लगा दो तो मैंने यहाँ पे किया एफ सिक्स ठीक है और यहाँ पे पकड़ा और क्रिएट लास्टीन मेरे वॉइस ओवर है तो वॉइस ओवर के साथ कर रहा हूँ इज आउट किया और इसके बाद ये पूरा पार्ट पकड़ा आगे तो ये पहले था तो इसको और पीछे ऐसा करने के लिए ऐसा पीछे किया ज़रा से ऐसा पीछे किया और ये पकड़ा यूँ और ज़रा से हाथ को बाहर की तरफ इसको भी जरा बाहर की तरफ ये कैसा हुआ कल्लू कर

तो इसलिए ये बोला नलू। और नल्लू और नल्लू तो जब ये नल्लू बोलते हैं वापिस तो यहाँ पे भी ये ये जो यहाँ पे मैंने की लगाना यहाँ पे बंद किया ना मैंने आपको ये बताने के लिए कि आप चाहो तो यहाँ पे की लगा सकते हो यहाँ पे नहीं कभी कभी क्या होता है ना की लगाते हैं ना तो जरक भी आता है मतलब कभी हिल जाता है जो बिगनर्स होते हैं तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे अभी की लगा रहा हूँ तो आप चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो तो ये की यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे छुट गया तो यहाँ पे की लगा दिया और यहाँ पे आके एफ सिक्स कर दिया और इसको राइट क्लिक किया क्रिएट क्लासिक ट्वीन और इसको पकड़ा इज इस आउट ना? और यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इस वाले पार्ट को ज़रा सा पीछे की तरफ ही और हाथ को ज़रा सा बाहर की तरफ ही और इस वाले हाथ को भी बाहर की तरफ ही और हेड को जरा सा ऊपर की तरफ ही ये पहले पीछे की तरफ ये पीछे की तरफ ही और फिर जब ये यह यहाँ पे आया तो फिर उसके बाद वापस अपनी जगह पे ये मैंने एक्टिंग ऐसा सोचा है कि मैं ऐसा करूँगा तो आप, आप चाहो तो दूसरे हाथ से भी बात करवा सकते हो मैं एक नॉर्मल एक्टिंग कर रहा हूं इधर तो इसके बाद यहाँ पे यूं। तो ये और नल्लू और नल्लू और नल्लू और इतना भी नहीं हाथ को इतना मूव भी नहीं कराना कि खराब दिखे से की तरफ और नल्लू और इस तरफ जरा से से नीचे और नल्लू और नल्लू और नल्लू ये अंदर की तरफ जब आ रहा है ना यहाँ पे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूँ तो इसको बाहर की तरफ ही किया बस सिंपल ऐसा नल्लू नल्लू बोलते और कर लो ऐसा जो भी इस तरफ थोड़ा से से और अंदर और अंदर तो ये किया बस इतना सा मैंने इसको जरा सा ऐसा किया अगर आपको लगता है कि हाथ उठाना है तो हाथ उठा दो तो या, ये यहाँ पे हाथ ये ऊपर उठा देगा और उठाने के बाद फिर वो वापस अपनी जगह पे ला देगा बस अगर आपको लगता है मैंने तो यहाँ पे नहीं दिखाया ये दिखाया और ये बात कर रहा और ये कर रहा है और फिर वो वापस इधर इधर डायलॉग बोल के यहीं पे इसको हाथ उठा नहीं रहा है आप चाहो तो हाथ उठा सकते हैं वो आपका एक्टिंग का तरीका है आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो एक की मैंने लगाया क्योंकि आगे आया और आगे आने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा ना मैं जब यगे यूँ यूँ आता है मैं पूरा सेलेक्ट करके इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा सा आगे इसको आगे करता हूँ इसको थोड़ा सा ऑल्ट के साथ ऐसा आगे की तरफ करता हूँ ताकि पूरा पार्ट मेरा ये मूव हो नीचे वाला पूरा बॉडी पार्ट तो इसके बाद ये यहाँ पे देखो कि अपनी जगह पर आएगा ऐसा देखो ये ऐसा हिलेगा यूँ तो देखोगे नज़दीक जाओगे तो देखोगे कैसा होगा ये अपनी जगह पे यूँ हिलेगा ठीक है और इसका बस खाली ये पार्ट पकड़ो और इसको यहाँ पे पकड़ो इसको ज़रा सा बाहर की तरफ करो यूँ और इस वाले पार्ट को पकड़ो इसको बाहर की तरफ यूँ करो आप देखोगे जब एनिमेशन देखोगे तो कैसा होगा यूँ तो इसका नज़दीक देखोगे तब समझ आएगा कि ये कैसा हो रहा है जैसे मैंने पीछे बोला आपको मूव करने के लिए ऐसा बाकी रहा जो आगे वो ज़रूरी नहीं कि वो करना है कि इसके आगे जो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये बोलेगा लल्लू नल्लू कल्लू जो भी बोलेगा आप अगर आपको लगता है यहाँ पे आई ब्लिंकिंग भी करना है तो इसके अंदर जाओ और इसके और अंदर जाओ और यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे एक, एक एप्सिक्स कर लो और जो आप आपने ये सोचा होगा ना कि वो लूप पे कैसे चलेगा तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हम उसको ऑल्ट के साथ आगे उठा सकते हैं तो यहाँ पे मैंने आई ब्लिंकिंग कर दिया जब मैं बाहर आऊँगा तो इधर आई आई ब्लिंकिंग होगा ऐसा ठीक है तो इतना काम कंप्लीट अगर आप पूरा एक बार सुनोगे ना पूरे डायलॉग को कि कैसे ये बोल रहा है जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए लल्लू कल्लू और नल्लू तो इस तरह ये डायलॉग बोल रहा है कि जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए लल्लू कल्लू जो भी बोल रहा है तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो की लगाया यहाँ पे मैंने की नहीं लगाया आप लगा सकते हो अगर लगाना है और उसके बाद हमने यहाँ पे कितना की लगाया एक यहाँ पे लगाया एक यहाँ पे, पे एक यहाँ पे लगाया फिर वही प्रोसेस लंबा रखा और फिर उसके बाद ये यहाँ पे लगाया ये इतना की और इसके बाद यहाँ पे लगाया देखो कहीं पे भी ऐसा नहीं एक 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 सिस्टम से की लगाया हूँ ठीक है फिर आप वो वॉइस ओवर को कॉपी करोगे बाहर आओगे पर अभी तो हम स्ट्रेजिंग नहीं कर रहे नॉर्मल करैक्टर एमिशन ही है तो यहाँ पे लगा छोड़ दिया तो हम यहाँ पे देखें कितना है तो इतना है तो यहाँ पे देखोगे अभी पूरा एनिमेशन देखोगे कैसे हुआ है तो इसको थोड़ा सा इस तरफ रखता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ तो इसको एक बार दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इधर रख ले तो ऐसा ज़रा सी इसे छोटा करता हूँ इसको ऐसा इतना कर देता हूँ <wheels> से सब बात कर रहे हैं जरा से इतना कर लेता हूँ ठीक है ये ठीक है थोड़ा ऊपर अब आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरह ये बात कर रहा है कंट्रोल एंटर मार के दिखाता हूँ जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए लल्लू कल्लू और नल्लू जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए लल्लू कल्लू और नल्लू जब भगवान ने मुझे चुनिंदा दोस्त दिए लल्लू कल्लू और नल्लू जब ठीक है तो आपने देखा कि कैसा मैंने ये पूरा काम किया यहाँ पे और ये बस एक बात का ख्याल रखना कि जैसे यहाँ पे मैं इस वॉइस ओवर को तो हटा देता हूँ ताकि आपको सुना देता हूँ पहले एनिमेशन कि कैसा कैसा है बाहर नहीं आएगा फिर यहाँ पे वॉइस ओवर तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना कि जैसे आ, मेरा जो तीन की चार की का था तो इस वाले पे ध्यान दो वरना तो यहाँ पे नजर आएगा हमारा नीचे पार्ट मूव नहीं हुआ सिर्फ जब ये आगे उठा रहा है और इसके बाद पीछे आ रहा है तो बाउंसिंग बॉल की तरह लग रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से बात कर रहा है इतना काम काफ़ी होता है एक बिना ड्राइंग के एनिमेशन का देखो हम कोई ट्रेडिशनल एनिमेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन इतना एनिमेशन कर रहे हैं कि थोड़ा जान आ जाए वो भी ये भी ये बिल्कुल ही ये समझ सकते हो सबसे लो लेवल का ना तो हमने इसके कपड़ों का एनिमेशन किया बाल का एनिमेशन किया जो हमें अगर लगता है कि करना चाहिए सिर्फ हमने इसको एक इतनी जान डाल दी कि देखने पर लगेगा बिल्कुल स्मूथ है और जितने भी आप यूट्यूब पर चैनल देखते हो तो उनका क्वालिटी इतना इससे हाई होता है तो फिर उसका अंदर जाके पलक के साथ एनिमेशन होगा और बाकी क्या होगा ज्यादा से ज्यादा से, सेकेंडरी एनिमेशन हो गया तो उसका ये कपड़े के साथ हो गया तो इतना काफी होता है बल्कि बिल्कुल ही सिंपल है ये सबसे सिंपल है मतलब इसके ऊपर तो इतना ये ऐसा एनिमेशन करना है वॉइस ओवर के साथ